वेलकम दिल्ली न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज हम EAWS कॉलोनी में आए हुए हैं, एक फिल्म इंडस्ट्री भोजपुरी के जो आर्टिस्ट हैं उनसे हम सीधी बातचीत कराएंगे। हाँ जी सर, क्या नाम आप सर आपका? सर हमारा नाम रामचंद्र सक्सेना है। हाँ जी, और मैं 5 भोजपुरी फिल्म में काम किया हूँ, जिसमें से 2 फिल्म हमारी रिलीज हुई है। हाँ जी, एक पहले हुई थी खेल तकदीर के बाद, बिल्कुल, दूसरी अब होगा इंसाफ, तीसरी अभी जख्मी आशिक आने वाली है, और 2 फिल्म बन के तैयार हैं। बिल्कुल जी, और अभी एक और फिल्म की हम शूटिंग करने जा रहे हैं, जिस फिल्म का नाम है जैसी करनी वैसी भरनी। उसमें मैं अपने हाथों से और मैं अपने से उसमें आइटम सॉन्ग टाइटल सॉन्ग सब लिखा हूँ। सर जख्मी फिल्म का मैं आपको थोड़ा काट रहा हूँ, जख्मी फिल्म का जो डायलॉग थोड़ा बोल के दर्शकों को थोड़ा बताओगे कि जख्मी फिल्म का कैसे, उसमें आपने मुखिया का जो रोल आपने अदा किया है, थोड़ा डायलॉग हमारे डायलॉग इस एक डायलॉग मुझे थोड़ा याद है, आपने बोला मुझे वो अपनी सूरत मत दिखाना, वो डायलॉग पर आपको याद है बता दो। तो हमारे डायलॉग है, हम मुखिया ही मतलब गांव के बाप, अब बाप का मतलब तो समझे तो बाबा, जैसे एक बाप पूरा घर के चलावेला वैसे एक मुखिया पूरा गांव के चलावेला। तो कहा बाप की तरह चला सकेला है गाँव के कब्बो ना, अरे हम हार गए नहीं तो कहा भाई, आखिर गाँव के मुखिया ही मुखिया। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा हमें को। मैं कैमरामैन दविंदर के साथ दिल्ली क्राइम न्यूज़ लुधियाना, EAWS कॉलोनी।